पीके दीक्षित ट्यूटोरियल्स के सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 11 के ऊपर उनके कंटेंट के ऊपर पहला वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो सिलेबस में चेंज हुए थे, जो लेटेस्ट सिलेबस में चेंज हुआ था, सीबीएसई ने जो 30% जो रिड्यूस किया है आपका सिलेबस, उस सिलेबस को मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले एक वीडियो में मैंने डाला था, जिसमें आप थियरी से लेकर प्रैक्टिकल्स के जो जो पोर्शन डिलीट हुए हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स में क्या चेंजेज हैं और कौन 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 से प्रैक्टिकल रिमूव हुए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको कंडक्ट करने हैं, AISSC 2021 के सिलेबस का पूरा लेखा जोखा मैंने दिया हुआ है उस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं पहला चैप्टर बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। चलिए चलते हैं, क्या है पहले चैप्टर में, क्या है उसको ज़रा देखते हैं। चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मैंने ये महसूस किया है, जो टीचर मैंने ये महसूस किया कि विथ इंटरेस्ट बहुत कम बच्चे बायो की तरफ डाइवर्ट होते हैं। मोस्टली जो है, जो आते हैं उसमें से कुछ ही परसेंट ऐसे डिवोटेड रहते हैं जो कि मतलब वहाँ हमको बायो पढ़ना है, अदरवाइज मैथ नहीं मिला तो बायो में चले आए, या और कोई रीज़न हो, मैथ समझ में नहीं आता है तो बायो में चले आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और उनको ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे एक उनका जो पॉइंट होता है कि बायो समझ में नहीं आती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसको आप फॉलो करें तो ज़रूर जो है आप सक्सेस गेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बायो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ेंगे तब अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़े देर पढ़ेंगे छोड़ देंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बायो आपको बोझिल लगेगी, आपको लगेगा कि इसमें टर्म्स तो बड़े उल्टे पुल्टे हैं, कैसे याद होगा, सब कुछ हो जाता है। और आप देखेंगे कि बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो लेट्स देखिए, इसमें एक जो पॉइंट है, क्लू है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी टर्म आपके सामने आता है तो आप उसके वर्ड्स को स्प्लिट कीजिए, उसके वर्ड के मीनिंग को निकालिए, डेफिनेटली यू विल गेट या यू विल मेक सेंस टू डेवलप टू मेक ए डेफिनेशन। आप डेफिनेशन बना लेंगे उस चीज़ को, पहले वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे है द लिविंग वर्ड, अब यहाँ पे है लिविंग क्या है, तो लिविंग यानी जिसके अंदर ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं दैट मेक्स द लाइव ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब उदाहरण के लिए देखिए, आप कार को ले लीजिए, कार जो है एक डॉग से डिफरेंट है, हालांकि डॉग भी मूवमेंट करता है, कार में भी मूवमेंट होता है, लेकिन क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो है वो हम लोग जो पढ़ेंगे अभी, एक दो चार पॉइंट आपके सामने आएगा। तो वो जो लाइव, जिसके अंदर जिंदगी है, जिसके अंदर लाइफ है, अब लाइफ क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, जिसके अंदर ये सेट ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम लिविंग कहेंगे। तो लिविंग वर्ड, अब लिविंग वर्ड का मतलब कि होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ के बारे में बात की जा रही है। तो क्या होगा कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन अर्थ इन डिफरेंट हैबिटेट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग वर्ड। यहाँ वर्ड एक डिफरेंट हैबिटेट वर्ड यूज किया गया है। हैबिटेट का मतलब होता है आवास। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ भी रहता है, जैसे मान लीजिए बर्ड्स हैं, एयर में रहते हैं, फिश वाटर में रहती है, तो वही उसका हैबिटेट हो जाएगा। हैबिटेट बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हैबिटेट का मतलब ड्वेलिंग प्लेस, यानी ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। अब यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर चार इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हाईलाइट किए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, हालांकि आपको कैरेक्टर्स बुक में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ये जो फोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, ग्रोथ। ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टर है। मेटाबोलिज्म, कॉन्सियसनेस, या इसी को रिस्पांस टू स्टूमलाइज कहते हैं, स्टूमलाई, और ये रिप्रोडक्शन। दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लेट्स सेकंड, अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ जो चार चैप्टर हम लोग चार जो देखे थे, इसी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होता है? अब आप देखिए, जो
कोई भी चीज़ है, कोई छोटा सा पौधा है, छोटा सा पौधा कुछ सालों में बड़ा हो जाता है, छोटा सा बच्चा कुछ सालों में बड़ा हो जाता है, आप कहते हो उसमें ग्रोथ हो रही है। बिजनेस वर्ल्ड में भी ग्रोथ होता है, जब पैसे बढ़ने लगते हैं तो ग्रोथ होता है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम के द्वारा शो करने की कोशिश की गई है कि यहाँ एक छोटा सा गोला है और ये बड़ा हो गया। एक छोटा सा प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं इसके अंदर ग्रोथ हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि ये बड़ा हो रहा है, साइज इसकी बढ़ रही है, यानी ग्रोथ में साइज बढ़ती है। और क्या क्या होता है देखिए, परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द नंबर, मास, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी ग्रोथ में ये जो इंक्रीज है ना, देखिए आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज बढ़ा, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, इसका मतलब कि ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट है। तो अगर कोई परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन नंबर, मैंने नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए, मास बढ़ जाए, एरिया उसका जो है एक्वायर एरिया बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ये इंक्रीज ध्यान रखिए परमानेंट इरिवर्सिबल होना चाहिए, तभी ग्रोथ कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज गुब्बारा फुलाया फिर उसी पूर्व अवस्था में आ गया तो ये ग्रोथ नहीं है। लेकिन प्लांट की साइज एक बार बढ़ गई तो फिर छोटी नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल है, वो ग्रोथ है, ठीक है। देखिए ग्रोथ में दो फेनोमेना मेनली इन्वॉल्व होती है, एक होता है ये सेल डिविजन, इसमें क्या होता है, और एक होता है इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल। दीज टू थिंग्स आर द ट्विन फेनोमेना व्हिच इन्वॉल्व इन द ग्रोथ, ठीक है। यानी ग्रोथ में क्या क्या दो फेनोमेना है, सेल डिविजन और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन द मास ऑफ सेल। अच्छा अब जरा प्लांट और एनिमल ग्रोथ में कंपेयर कर लें। अब देखिए प्लांट के ग्रोथ जो है थ्रू आउट द लाइफ होता है, वो प्लांट डेड होगा उसके बावजूद भी ग्रोथ होती है, उसके पहले भी ग्रोथ होती है, लेकिन एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। यानी द ग्रोथ इन प्लांट इज ए लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस, वाइल इन एनिमल इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ ओनली, बट सेल डिविजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस द ओल्ड एंड वर्न आउट टिश्यू। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ एक निश्चित एज के बाद रुक जाएगी, लेकिन कहीं चोट लग गई तो हीलिंग के लिए कुछ सेल्स में जो है वो डिवीजन होता रहता है, सेल जो है डिवाइड होते हैं, उनमें वो रिपेयर मतलब वर्क के लिए ये होता है। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन यू नो एन इम्पॉर्टेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग फेनोमेना है। ये क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है, देखिए वर्ड मीनिंग को आप जरा स्प्लिट कीजिए, री मतलब अगेन एंड अगेन दोबारा, प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना, यानी अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही समान इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है तो इसी दिस इज द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू जनरेट द न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। जनरली डिफिनीशन में जो टर्म में वर्ड यूज किया गया है उसको डिफिनीशन में हम लोग अवॉइड करते हैं, बल्कि उसकी मीनिंग देके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ प्रोड्यूस हम वर्ड यूज कर सकते हैं लेकिन जनरेट वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू जनरेट न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड। अच्छा अब आगे देखते हैं, दो तरह के जो है वो सेल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे 10th में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अमीबा है, आपका पैरामीशियम है, इसी तरीके से आप क्लेमाइडोमोनास है, तो इनमें रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन, क्योंकि बॉडी एक ही सेल की बनी होती है, जब सेल एक सेल से दो सेल बनता है तो वो दोनों सेल एक ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इसलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए जब बॉडी एक ही सेल की है तो एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होगा तो उसको हम सेल डिवीजन कहेंगे, और वही जब ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे तो वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और रिप्रोडक्शन का मेन मेथड क्या होता है, यूजिंग माइटोसिस, आप आगे इसी आप 11th में ही पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन उसमें माइटोसिस और मियोसिस दो फेनोमेना आएंगे। वाइल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन ऑफ एंगवर्म्स, यानी क्या कहा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंगवर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ दो चीज़ें, दो रिप्रोडक्शन के अगर टाइप देखा जाए तो रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, उसको एक यहाँ टेबल के द्वारा शो करने की कोशिश की गई है। देखिए, इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड, एक ही पेरेंट सक्षम है इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, दो पेरेंट जरूरी है वहाँ पे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमिट नहीं बनता है, और जब गैमिट नहीं बनेगा तो जायगोट भी नहीं बनेगा। इसी तरह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमिट बनेंगे भी और वो फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे। और इसी तरह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस हमको लगता है वो ये है, थर्ड पॉइंट, कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे वो सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होंगे, और ऐसे ग्रुप को हम क्लोन कहते हैं। यानी क्लोन क्या है, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड जीन्स आर कॉल्ड क्लोन। दूसरे एक बार और डिफाइन कर दूँ कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिक्स प्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोन। जबकि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो पेरेंट रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो सेम नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आपको फाइव मोड्स यहाँ दिखाएंगे, एक छठा मोड आगे दिखाया जाएगा, मतलब सिक्स मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। तो ये कौन कौन हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक टेबल के रूप में आपको दिखाने की कोशिश की गई है। चूँकि इसको आप टेंथ में डिटेल में पढ़े हैं, इसलिए हमने यहाँ ब्रीफ में कंक्लूड करने की कोशिश किया। पहला है फीसन। फीसन का वर्ड मीनिंग क्या होगा, ब्रेक डाउन, यानी बॉडी एक से दो टुकड़ों में टूट जाए या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाए। इफ टू पीसेस आर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फीसन, एंड इफ मोर देन टू पीसेस आर फॉर्म देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फीसन। बाइनरी मतलब दो होता है, तो दो अगर इंडिविजुअल बन रहे हैं तो बाइनरी फीसन, दो से अधिक बन रहे हैं तो मल्टीपल फीसन। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन टू आर मोर देन टू पीसेस विच डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड फीसन। और आपको बताया कि बाइनरी फीसन और मल्टीपल फीसन दो तरह के फीसन होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ये बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये बाइनरी फीसन है। आप देखिए दोनों तीनों इंडिविजुअल यूनिसेलुलर है, यानी बाइनरी फीसन या मल्टीपल फीसन जो है, जो फीसन होता है वो केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। मल्टीपल फीसन का एग्जांपल यहाँ दिया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मलेरिया कैच करता है, उसमें मल्टीपल फीसन देखने को मिलता है। इसी के साथ दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, एन आउट ग्रोथ इज फॉर्म फ्रॉम पेरेंट बॉडी। जैसे ईस्ट के अंदर देखेंगे, हाइड्रा के अंदर देखेंगे, एक आउट ग्रोथ फार्म होगी, दैट इज कॉल्ड बर्ड, और बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन, देखिए इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो फिलामेंटस, जो प्लांट फिलामेंटस होते हैं उनमें जो है देखा जाता है। मतलब रिबन की तरह बॉडी होती है, इलांगेटेड बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी हो सकती है, तो वो कई सेल्स एक दूसरे से मिलकर इस तरीके से फिलामेंट बनाते हैं। तो किसी वजह से अगर ये टूट जाते हैं, दो या दो से अधिक पीस में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, तो ईच फ्रेगमेंट हैव एबिलिटी टू डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल। तो इसको हम लोग, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्पायरोगायरा और राइजोपस। स्पोर फॉर्मेशन, आप कुछ एल्गी और फंजाई में देखेंगे कि जो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो जैसे स्पोर है, कोनिडिया है, तो ये इस तरह के जो स्पेसिफिक एसेक्सुअल जो जो बॉडीज बनती हैं, जो रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उनको वो स्पोर कहलाते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म लाइक जू स्पोर, ये मोटाइल होते हैं, जू स्पोर का नाम इसलिए पड़ा, ये मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं। कोनिडिया नॉन मोटाइल होते हैं, इसी तरह प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं, जेम्यूल नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर्स जो बनेंगे वो न्यू इंडिविजुअल के रूप में ग्रो हो जाएंगे। ये राइजोपस एक फंजाई है, पेंसिलियम एक फंजाई है, इसी तरह कुछ एल्गी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा रीजनरेशन,
रीजनरेशन मतलब जो लास्ट पार्ट है वो दोबारा रीजनरेट कर जाता है, दोबारा बन जाता है। जैसे आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं, लीजर्ड में आप देखिए जब उसकी टेल डिसअपियर हो जाती है ना तो नई टेल निकल आती है, वो रीजनरेशन है। लेकिन रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन में बॉडी दो पीस में टूट जाएगी, जैसे टूट गई दो पीस में अगर बॉडी टूट गई तो दोनों पीस नए इंडिविजुअल बना लेंगे, होल नया इंडिविजुअल बन जाएगा, दो नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। लेकिन रीजनरेशन में जो पार्ट लास्ट हुआ है, जो टेल अगर लास्ट हुई है तो केवल टेल ही बनेगी, पूरी बॉडी नहीं बनेगी। तो ये रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर है। नेक्स्ट वन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सिक्स टाइप है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। देखिए प्लांट हो या एनिमल, बॉडी में दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, सोमैटिक पार्ट जिसको हम कहते हैं, सोमैटिक सेल से बना होता है, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट जैसे प्लांट में आप देखिए रूट स्टेम लीफ पे वेजिटेटिव पार्ट है और उसका फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। तो अगर वेजिटेटिव पार्ट रूट स्टेम या लीफ न्यू प्लांट फार्म करते हैं या प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, देन इट इज दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम रूट एंड लीव्स आर यूज टू जनरेट न्यू प्लांट, यानी इसमें स्टेम रूट लीव्स जो है यूज से जो है नए प्लांट रीजनरेट होते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होते हैं, लोअर एनिमल में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन हायर एनिमल में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ये अलग अलग मोड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं सिक्स मोड्स आपको दिखाए गए हैं। स्टेम कटिंग, नाम से ही क्लियर है कि अगर स्टेम का पीस अगर नए प्लांट को रीजनरेट करने में यूज किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेम कटिंग। आपने माली को देखा होगा रोज के छोटे छोटे टुकड़े काट के और वो ग्राउंड में लगा देता है, उससे नए रोज बन जाते हैं, तो वो स्टेम कटिंग है। सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन के स्मॉल पीसेस को काट करके जो किसान है वो खेतों में डाल देता है, उससे नए पौधे जनरेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, स्टेम कटिंग है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है एक्जिलरी वर्ड। आप यहाँ देखिए एक वर्ड यहाँ पर एक्जिलरी वर्ड्स लिखा हुआ है। स्टेम के पार्ट, जैसे स्टेम में आप जानते हैं कि नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, तो जो नोड्स होते हैं उन नोड्स के ऊपर बड होते हैं और जहां बड होगा उन्हीं से नए प्लांट जनरेट होंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें बड नहीं होगा वो प्लांट स्टेम का पार्ट नया प्लांट नहीं बना पाएगा। पोटैटो में है, पोटैटो को जब काटते हैं तो उसकी आईज जो होती है ना, जिस पार्ट में आई होगा वही नया प्लांट जनरेट होगा। अगर विदाउट आईज अगर पोटैटो आप सॉइल में डाल दीजिए तो सालों वेट करते रहिए, पौधा नया नहीं आएगा, क्योंकि बड है ही नहीं है, बड से ही तो प्लांट जनरेट होता है। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, रोज, बहुत सारे एग्जाम्पल है। रूट कटिंग, सिमिलरली इफ रूट इज यूज टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जैसे डायलिया है, शुगर बीट है, रेडिस है, तो इसको हम लोग कहते हैं रूट कटिंग। अच्छा, लीफ कटिंग ये उतना कॉमन नहीं है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम जिसको हम लोग कॉमनली अजूबा, अजूबा के नाम से जानते हैं। ये जो पौधा है इसमें लीफ जो होती है बर्ड, लीफ के मार्जिन पे बर्ड होती हैं, उनसे नए प्लांट रीजनरेट कर जाते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग इज कॉमन इन गुआवा, मिंट, लेमन, इसमें होता है और ये कई तरह का होता है। एयर लेयरिंग होता है, ग्राफ्ट मतलब जो है मोल्ड लेयरिंग होता है, लेकिन उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसमें बस इतना है कि रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस ऑन द स्टेम ब्रांचेज ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के स्टेम के ऊपर हम रूट को इंड्यूस करेंगे। अब कैसे, जैसे गुआवा में है, गुआवा का कोई स्टेम पार्ट ले लीजिए, ऊपर का जो पोर्शन है जो उसको रिमूव कर दीजिए, उसके चारों तरफ सॉइल लगा कर उसको कपड़े से बांध दीजिए, थोड़ी देर बाद देखिए कि जो पील्ड पार्ट है उसके पार्ट से जो है रूट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये लेयरिंग होती है, फिर उस पार्ट, उस ब्रांच को अलग करके नया आप सॉइल में उसको प्लेस कर दीजिए, नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। तो लेयरिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ्टिंग, ये मैंगो में, एप्पल में, रोज में देखने को मिलता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक प्लांट कोई सुपीरियर टाइप का है, दूसरा प्लांट इन्फीरियर टाइप का है, तो जो सुपीरियर जो पार्ट होता है सुपीरियर पार्ट को वहाँ से रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद जो
जो अपर पार्ट है, जो सुपीरियर प्लांट का अपर पार्ट है, वो इन्फीरियर प्लांट के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। तो जो इन्फीरियर प्लांट का जो लोअर पार्ट होगा उसको स्टाक कहते हैं, जो प्लेस किया जाता है पार्ट उसको हम लोग कहते हैं सियान। तो ये जो है यहाँ देख सकते हैं कि सियान इज फिटेड ऑन स्टाक। तो इसको ये ग्राफ्टिंग होता है। टिश्यू कल्चर एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्लांट है जिससे हम नया प्लांट बनाना चाहते हैं उसके मेरिस्टमेटिक पार्ट को हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं और कल्चर मीडियम के ऊपर बहुत सारे पौधे एक साथ हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे पाइन एप्पल है, फिग है, जासमिन है। मतलब हार्टिकल्चर में ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ किया जा रहा है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कुछ जो है। इसके बाद से नेक्स्ट लिविंग कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे कि क्या होता है, हमारी बॉडी में कई तरह के दो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन को हम बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटल प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस, जो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो ये दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि पहले मैं बता दूं कि ये सम ऑफ रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड इन द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और इसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपको बताया कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। तो एक तरह के रिएक्शन को एनाबॉलिज्म में रखा गया, दूसरे तरह के रिएक्शन को कैटाबॉलिज्म में रखा गया है। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होते हैं इसको देखिए। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस जो होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण से देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और एनर्जी की सहायता से ये बाइंड होके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ग्लूकोज बन जाता है, तो ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। तो ये कंस्ट्रक्टिव, ऑल द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, ऑल द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आर इंक्लूडेड इन द एनाबोलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, यानी इसके उल्टा। यहाँ पर देखिए एक जो है कंपाउंड है और इसका ब्रेकडाउन हुआ, बहुत सारे कंपाउंड बने। अभी एक पॉइंट और देखिए, इसमें एनर्जी बाइंड कर रहा है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी जब हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है तो हम स्टोर कर देंगे कंपाउंड के रूप में, जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी कंपाउंड को तोड़ करके एनर्जी को निकाल लेंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस है। हालांकि हमारी बॉडी के लिए दोनों तरह के रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों जो है मिलके मेटाबोलिज्म बन जाते हैं। एक बात बच्चों को दिक्कत होती है कि एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक बहुत सिंपल सा चीज़ बता दूं। कैटाबोलिज्म को आप समझिए, कैटाबोलिज्म यानी काटपीट, यानी जहाँ काटपीट, जहाँ डिस्ट्रक्शन हो वो कैटाबोलिज्म, और इसी का ठीक उल्टा एनाबोलिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कॉशसनेस आर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देखिए आपको ठंडी लगती है, आप कपड़े पहन लेते हैं, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी जो है आप पंखा चला लेंगे, एसी चला लेंगे, क्यों भाई, इन्वायरमेंट में चेंज होता है। कभी आप ठंडी उससे बचने के लिए कपड़ा पहन लेते हैं, कभी आप गर्मी से बचने के लिए कपड़े उतने वूलन क्लोथ्स उतार देते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसका हमारी बॉडी के ऊपर असर होता है और हम उस चेंज के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। यानी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर एक अवेयरनेस है। क्या है वो अवेयरनेस, वो अवेयरनेस है कि अगर कोई एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स व्यक्त करते हैं। आपको कोई एक चाटा मार दे, आप मजबूत है, अगर नहीं एक चाटा मारेंगे तो कुछ नहीं, तो मन में ही भुनभुन आगे रह जाएंगे, कुछ तो कुछ प्रतिक्रिया देंगे। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि गांधी जी की तरह कि आ बेटा मुझे एक चाटा और मार ले, ऐसा तो नहीं होगा। ये है रिस्पॉन्स। तो पौधे भी और एनिमल्स भी रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन ये एनिमल में ज़्यादा डेवलप होता है, प्लांट में बहुत कम होता है। प्लांट में जैसे छुई मुई का पौधा है, मिमोसा पुडिका, टच मी नॉट, उसको आप टच कर दीजिए लीफ सिकुड़ जाएगा, तो वो रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। तो ये जो है ये एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को जज करने की एक हमारे अंदर क्षमता है, और एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द वेरियस फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलाई इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस एंड इट इज मोर डेवलप्ड इन एनिमल्स देन प्लांट। चलिए ये था पहला टॉपिक जो लिविंग बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बायोडाइवर्सिटी।
अब इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, मैंने एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप वर्ड को स्प्लिट कीजिए। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है, और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरिएशंस होते हैं, यानी कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। आप अपने क्लास में देखिए, जो अलग अलग स्टेट के बच्चे आए हुए हैं, कितना वेरिएशन है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई दुबला है, कोई कोई पतला है, ये लाट ऑफ वेरिएशंस आर देयर। तो यही डाइवर्सिटी है। तो अगर आप अर्थ के ऊपर देखें तो बहुत तरह कई तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो एक कलेक्शन जो होता है, जो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। यानी द इंटायर नंबर ऑफ टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब एक अप्रॉक्सीमेट है कि 1.7 से लेकर 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद से अब हम लोग जो है बायोलॉजिकली, अगर हम सब ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहें तो कुछ प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, कुछ जैसे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, अब जैसे आपके क्लास में जब हम लोग जब कभी होता है तो देखा जाता है कि एक बड़ा सिंपल कैटेगराइजेशन है, गर्ल्स और बॉयज, एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉयज, हो गया क्लासिफिकेशन। थोड़ा और अगर आप क्लासिफाई करना चाहो तो ये कह दो कि कौन किस स्टेट से आया है, तो आप देखोगे कि स्टेट वाइज क्लासिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब एक ग्रुप के जितने इंडिविजुअल होंगे वो एक तरह के होंगे, भाई महाराष्ट्र वाले रहने वाले महाराष्ट्र के एक तरह के होंगे, है ना, उनका कल्चर एक होगा। लद्दाख से कोई आया है तो अगर 10 लद्दाखी हैं तो उनके कल्चर एक तरह के होंगे, एक तरह के सिमिलरिटी शो करेंगे। तो एक तरह के सिमिलरिटी शो करने वाले को एक जगह रखा जाएगा, ठीक है, यही क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन का मेन कारण है ताकि हमारी स्टडी कन्वीनियंट हो, हमें जो जो भी नॉलेज मिलता है एडजस्टमेंट उसके साथ हम एडजस्टमेंट कर सकें, उसके लिए हम लोग नॉलेज गेन गेन करते हैं। इजी स्टडी इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन कैसे हुआ है इसके बारे में भी हमको नॉलेज मिलता है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वही है जो आपने अभी पढ़ा कि मेक्स द आइडेंटिफिकेशन इजी, इस स्टडी हमारी इजी हो जाती है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और इजी एकोमोडेशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर हम प्लेस दे सकते हैं स्टडी, अगर हमारी नॉलेज है क्लासिफिकेशन के। जैसे कोई नया पौधा मिला, अब उन्होंने नया पौधा को मैच किया, फाइव ग्रुप प्लांट में फाइव ग्रुप है, एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, एनजीओ। अब हम उसको देखेंगे कि इसका कैरेक्टर किससे मिलता है, जिसे मिलता है उसमें रख देंगे। तो वो एक डिस्कवर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसको एक प्लेस दे दिया, एकोमोडेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, असाइनमेंट टू करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर क्या देना, नेम दे देना, करेक्ट प्लेस दे देना, ये जो है क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है। यानी असाइनमेंट टू करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल फीचर्स। उसके बाद से नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाम दिया जाता है, बिना नाम का तो कोई नहीं होता है। तो इसी तरह से हर पौधे को नाम दिया जाता है, तो वो होता है नोमेनक्लेचर, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म। अब IUPN का मतलब होता है इंटरनेशनल बोटेनिकल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, जो है ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये दो अलग अलग संस्थाएं हैं, IUPN पौधों का नाम रखती है और IUZN एनिमल्स का नाम अप्रूव करते हैं। नाम तो आप साइंटिस्ट ही रखते हैं लेकिन वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है विच प्रोवाइड द नेम्स फॉर प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, इसके बाद से जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो मैं आपको बता दूं कि नाम, आप देखिए अगर किसी एक पौधे का नाम इतने
पूरे वर्ल्ड में 200 से अधिक कंट्रीज हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी बोलियां हैं, तो एक पौधे का 200 से भी ज़्यादा नाम हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको एक कॉमन नेम से कैसे जाना जाए। तो इसके लिए एक सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने प्रपोज किया, इसलिए इनका नाम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी रखा गया है। बाई मतलब होता है दो, नोमियल, आप देखिए आपका नाम है, जैसे मान लो किसी का नाम सुदेश चौधरी है, तो उसके नाम में दो वर्ड है, एक सुदेश है एक चौधरी है। सुदेश उसकी अपनी पहचान है और चौधरी उसके पूरे ग्रुप की पहचान है, वो जिस जात से रिलेटेड है वो जिस उससे उसकी एक पहचान है। ऐसे ही पौधों के भी नाम रखने की कोशिश की गई। तो जैसे कैरोलस वार्न, कैरोलस लिनियस का पहले नाम था कार्न वार्न लिने, उन्होंने अपना ही नाम पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में रखा और कैरोलस लिनियस कर दिया। तो इस तरीके से किसी भी पौधे के जो नाम होते हैं वो दो वर्ड्स के होते हैं, पहला जेनरिक नेम होता है, दूसरा स्पीसीज नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ गाइडलाइन है इसका। फर्स्ट इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी बुक जेनेरा प्लेंटेरा में उन्होंने किया था, हालांकि और भी बुक्स, स्पीसीज प्लेंटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, इनकी कुछ और बुक्स हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर वर्क किया था। लेकिन जो 1951 में पहली बार बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जिक्र जो है कैरोलस लिनियस ने किया था। अब इस बाइनोमियल बाद में जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ रूल्स बनाए नाम रखने के लिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ गाइडलाइंस बनाए। वो क्या थे, देखिए साइंटिफिक जो नेम्स होते हैं, जो ज़्यादातर आप देखो कि बहुत सारे टर्म अंग्रेजी के यूज होते हैं, तो बायोलॉजी में इसको डिफरेंट बनाने के लिए लैटिन वर्ड का यूज़ किया गया, ताकि ये डिफरेंट बने, थोड़ा अलग बने, क्योंकि इंग्लिश के साथ ना अगर नाम हम लिखना शुरू करते तो कन्फ्यूजन हो जाता, कई जो है एरिया में वो टर्म यूज़ होते रहते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए लैटिन वर्ड का यूज करना शुरू किया गया। तो देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर जनरली इन लैटिन आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, या तो लैटिन वर्ड का होगा या इंग्लिश वर्ड है तो उसको लैटिनाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है और इसी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है, और इसी डिफिकल्टी को हम आसान कर सकते हैं कि जो लैटिन वर्ड है तो उसका इंग्लिश मीनिंग समझ लो, आसान हो जाएगा वो। अच्छा, उसी बाद द साइंटिफिक नेम आर रिटन इन इटैलिक्स आर अंडरलाइन, अगर टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में लिखो, अगर हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर दो। इस तरह साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड के बने होंगे, तो फर्स्ट वर्ड क्या बताएगा, जेनरिक नेम, सेकंड नेम क्या बताएगा, स्पेसिफिक नेम। जैसे हम लोगों का नेम क्या है, ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो जेनरिक नेम हो गया, सेपियंस स्पीसीज नेम हो गया। मैंगो का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा जेनरिक नेम हो गया, इंडिका क्या हुआ, स्पीसीज नेम हो गया। तो जेनरिक नेम को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, होमो में एच हमेशा कैपिटल होगा, लेकिन स्पीसीज नेम में सब स्मॉल होगा, द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, नॉट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर बट ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल लेटर, एंड द नेम शुड बी इन स्मॉल प्रिसाइज शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस। अच्छा, एक चीज़ और है जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया, नाम के बाद एक कैपिटल लेटर में एक वर्ड लिख देते हैं एल, तो वो उस साइंटिस्ट का नाम बताता है जिसने उसका नाम रखा है। जैसे आपने मान लिया आदित्य, आपने नाम लिखा किसी पौधे का, तो आप उस नाम के आगे ए आ जाएगा, ए फॉर आदित्य, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। लेट्स बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद से आप आ जाते हैं डोमेन ऑफ लाइफ, देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, मैंने मेन तीन कैटेगरीज जो होती है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तीन मेन कैटेगरी में हम रखते हैं। आर्किया, देखिए आर्किया मतलब एंशियंट से मतलब है, तो जो एंशियंट ऑर्गेनिजम्स है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो आर्किबैक्टीरिया किंगडम के अंदर आते हैं उनको आर्किया में रखा गया। दूसरा बैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोट है लेकिन इनके जो इनके अंदर कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, इनमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिट्स, रिकेट्सी, स्पायरोकिट्स, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या मेजर भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो इनको रखा गया है बैक्टीरिया के अंदर, ये दे आर मोर एडवांस देन द आर्किया। और यूकैरिया, बाकी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये यूकैरिया में रखा गया। अगर एडवांस मनी इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा था तो सबसे एंशियंट आर्किया है, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद योर यूकैरिया। हम लोग किस में आएंगे, हम लोग एनिमल किंगडम में आएंगे तो यूकैरिया है हम लोग, ठीक है ना। चलिए
डोमेन ऑफ लाइफ के बाद से ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जब ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज हम करते हैं तो सबसे छोटा ग्रुप बनता है स्पीसीज, और स्पीसीज के ग्रुप को हम जीनस कहते हैं, जीनस के ग्रुप को फैमिली, कई फैमिली मिलकर आर्डर बनाते हैं, कई आर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, कई क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगे, कई फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। तो ये जो एक आप देखो एक जो आर्डर है ये लोअर टू हायर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे हायर टू लोअर जो एक अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है अरेंजमेंट होता है कहाँ से, ये अपर है तो लोअर टू हायर, इस अरेंजमेंट को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। और जो ये एक एक यूनिट है जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इस ईच यूनिट इज कॉल्ड टैक्सॉन, हर यूनिट को टैक्सॉन कहेंगे, इसी का प्लूरल होता है टैक्सा, यानी बहुत सारे टैक्सॉन। तो यहाँ पर क्या, देयर आर सो मैनी टैक्सा आर अरेंज इन हायर टू लोअर आर्डर, और इसी को हम लोग कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे फ्रेमवर्क इन विच द टैक्सोनॉमिकल ग्रुप आर टैक्सा आर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। और साइंस ये स्पीसीज, इसमें इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे नीचे आता है स्पीसीज, यानी ये सबसे लोवेस्ट है, और सबसे ऊपर आता है किंगडम, यानी सबसे इवॉल्व और हाईएस्ट रैंक जो है वो किंगडम है, और बीच में बाकी यूनिट्स आती है। आप यहाँ देखेंगे कि जो फाइलम है, डिवीजन है, तो फाइलम एनिमल के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन जो है वो प्लांट के लिए यूज किया जाता है, इसलिए दो नाम यहाँ लिखे गए, बाकी सब कॉमन होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसीज, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, किसको हम एक स्पीसीज के अंदर रखेंगे, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो है ही, और एक और चीज़ शेयरिंग सम कॉमन कैरेक्टर, वो आपस में सिमिलरिटी भी शो करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो स्पीसीज में रहने के लिए ज़रूरी है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऐसे इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और जो उनके ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी फर्टाइल होने चाहिए, तभी वो स्पीसीज की डिफिनेशन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसे ही देखिए जीनस क्या है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ये ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, जीनस सिंगुलर है, जेनरा प्लूरल है। अब जैसे यह उदाहरण देकर समझाया गया है कि सोलेनम जो जीनस है इसके अंदर सोलेन ट्यूबरोसम और मेलानोजेना, देखिए स्पीसीज का नाम एम जो है स्मॉल में होना चाहिए, ये क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये स्मॉल में होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सोलेनम जीनस है उसके अंदर ट्यूबरोसम और मेलानोजेना दोनों रखे गए, दोनों देखिए ये सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है, सोलेनम मेलानोजेना ब्रिंजल है, दोनों अलग अलग पौधे हैं लेकिन इनके जेनरिक नेम सेम है, यानी क्या है सोलेनम इंक्लूड्स ट्यूबरोसम एंड मेलानोजेना। इसी तरह से एनिमल के एक उदाहरण देखा जाए तो पेंथेरा जो जीनस है उसके अंदर लायन, लियोपार्ड और पार्डस, ये दोनों को रखा गया है, लायन, लियोपार्ड और पार्डस, यानी लायन में क्या आ जाएगा पीओ, पेंथेरा लायन लियो, पेंथेरा पार्डस लियोपार्ड और पेंथेरा टिग्रिस यानी टाइगर। तो इनमें इनका जेनरा सेम है, ये जनरा किस जनरा से बिलोंग करेंगे, पेंथेरा से। ऐसे ही फैमिली में देखिए पेटूनिया, सोलेनम और एट्रोपा, ये तीन अलग अलग जनरा हैं लेकिन एक ही फैमिली में आते हैं और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। ऐसे ही एनिमल में देखिए जो पेंथेरा और फेलिस है, पेंथेरा और फेलिस दो अलग अलग जनरा है लेकिन इनको किस में रखा गया है, फेलिडी के अंदर रखा गया है। तो इसी तरीके से डॉग्स एंड फॉक्स जो होते हैं एक साथ कैनसीडी में रखा गया है, एक फैमिली है, फैमिली में क्या होगा बहुत सारे जनरा को रखा जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर असेंबलेज आप रिलेटेड फैमिली, जैसे सोलेनेसी और कॉनबुलबुलेसी को एक साथ पोलेमियल्स में रखा गया है, पोलेमियल्स ऑर्डर में रखा गया है ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से अब एनिमल में देखिए कार्निवोर आर्डर है जिसके अंदर फैमिली फेलिडी और कैनसीडी रखा गया है। ऐसे ही क्लास में देखिए कार्निवोरा और प्राइमेटा क्या है, दो ऑर्डर हैं और इनको एक साथ मेमेलिया फैमिली में रखा गया है, मेमेलिया क्लास में रखा गया है। इसी तरह फाइलम, फाइलम जो है उसके अंदर कॉर्डेटा जो फाइलम है उसके अंदर आस्टिक थीज, कॉन्ड्रिक थीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया, इतने क्लास रखे गए। और किंगडम तो भाई
मेजर ग्रुप है उसके अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, जो एनिमल में होगा सब आ जाएगा, या जो प्लांट में होगा प्लांट किंगडम में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। आपको मैं एक बार बता दूं कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, समझाने की कोशिश में मैंने इसको लंबा हो गया है। आपको कैसा लगा और आपके इसके ऊपर विचार क्या है, कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसको आप जो है वो लिख सकते हो, हमको बता सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पर नंबर दे दे रहा हूँ अपना, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कभी भी कॉल करके मुझसे इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके अबुल विचार की प्रतीक्षा में थैंक यू वेरी मच। ओके।